लेटर्स ये सब सेंड करते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि आपको अगर इनवेलप खरीदना है, स्टैम्प्स खरीदना है, तो आप कहाँ जाएंगे? लेटर्स आपको सेंड करना है, स्टेशनर्स बनाने पड़ते हैं, हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हम ये सारा सामान कलेक्ट कर सकते हैं और लेटर्स लेके स्टेशनर्स लगा के जिस व्यक्ति को देना है उनके एड्रेस को लिख के। और हाँ बच्चों, सबसे उसमें जरूरी बात है कि हमें पिन नंबर लिखना पड़ता है, अलग अलग एरियाज हैं तो वहाँ के पिन नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, ताकि उससे जो पोस्टमैन है उन्हें आसानी होती है उस एरिया में पहुँचा सके, वो लेटर्स आसानी से पहुँचा सकते हैं जिस व्यक्ति को लिखा गया है। ठीक है, पिन आपके सामने नया वर्ड आया है। पिन का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल एड्रेस नंबर, पोस्टल एड्रेस नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पिन नंबर, बता दीजिए आप लेटर्स के ऊपर। अब हम जानते हैं कुछ ईमेल्स भेजते हैं तो उसमें हम क्या क्या भेज सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। आप अपनी फोटो सेंड कर सकते हैं, कोई रिकॉर्डिंग से उसको सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं उसे सेंड कर सकते हैं, वैसे ही फैक्स मशीन है उसके द्वारा भी हम मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये पढ़ना है, अपने चैप्टर्स में आप देखिएगा, फिगर्स भी बनाया गया है, पोस्टमैन भी तो आपने सामने देखा है, पोस्टमैन काफी वर्दी में रहते हैं, कहाँ वर्क करते हैं, पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं, ये सब आप मैंने आपको पहले की वीडियो में पढ़ा रखा है। अब आपने जान लिया कि ये हो गया। अब एक नया टर्म आता है आईएसटी और एसटीडी, ये क्या होते हैं? देखिए, अगर हमें बात करना है लोकल में, यानी अपने एरिया में ही बात करना है, तो हमें कोई आईएसटी या एसटीडी कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप जानते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो